नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उधम सिंह नगर के खदरपुर में वन विभाग की लापरवाही देखिए। उसने एक बच्चे के ऊपर फायरिंग कर दी और बच्चे के परिजनों का कहना है कि वो शादी समारोह से लौट रहे थे। गुलर भोज जलाशय के पास वन कर्मियों ने गश्त के दौरान फायरिंग की। एक गोली बच्चे को जा लगी। बच्चा अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज जारी है। उधर वन विभाग के कर्मचारियों की दलील है कि उन्होंने गोली इसलिए चलाई क्योंकि वो इन लोगों को तस्कर समझ बैठे थे। अब सवाल ये है कि इनके समझ लेने भर से ही ये गोली चला देंगे क्या? इतने इनके पास अधिकार कि बस शक हो तो ये सीधा गोली मार देंगे, पूछताछ भी नहीं करेंगे। वन विभाग के इन कर्मचारियों पर कार्रवाई कब होगी? एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उसकी जान भी जा सकती थी, अभी भी उसका इलाज चल रहा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि मैं शिकारी समझकर कब तक गोलियां बरसाते रहेंगे? सूचना मिली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कि कुछ लकड़ी के तस्कर आ रहे थे और उनके द्वारा जब उनको रोकी, वो जब नहीं रुके तो इनके द्वारा गोली चलाई गई। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। यही सूचना दूसरे पक्ष की ओर से भी आई। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि फॉरेस्ट के लोग जब गश्त पे थे तो उनके द्वारा दो भाई जो कि निहत्ते थे और गांव के लिए वापस जा रहे थे, फॉरेस्ट वालों के द्वारा गोली चलाकर उनको घायल कर दिया गया। घायल का इलाज इस समय सुजला तिवारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचना प्रचलित कर ली गई। ढाई नंबर में बाल्टी में आया था, वहाँ से जब वापसी होने लगा तो नाव नहीं थी घाट पर, तो उसने छोटे भाई अपने को फ़ोन किया कि नाव लेके आओ मुझे पार कर दो। जैसे वो छोटा लड़का नाव ले गया उस पार से, इस पार नाव उस पार वापस भी हो गई। जब नाव से नीचे उतर के चले दस कदम नहीं चले, कम चले दो चार कदम, तो पीछे से फायरिंग चालू कर दी। और विकास कुमार इसी खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विकास, ये दलील कितनी बचकाना सी लगती है कि हमें लगा कि वो तस्कर होंगे और गोली चला दी गई। बच्चे की इस वक्त हालत कैसी है और किस तरह की कार्रवाई अब तक इस मामले में की गई है वन विभाग के कर्मचारियों पर? विकास, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर है एक बच्चे की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल कि वन कर्मचारी इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे बरत सकते हैं कि उनके लगने भर से उन्होंने गोली चला दी और उनके बच्चे के साथ और भी लोग थे, और भी लोगों को गोलियां लग सकती थी। जिस तरह से गोली बरसाई गई है, ये वाकई बहुत गंभीर विषय है कि क्या इस तरह से वन विभाग के कर्मचारी वहां गश्त करते हैं, जांच करते हैं कि अगर कोई भी उस तरह हलचल दिखी तो सीधा गोली मार दो। इस तरह की स्थिति तो बॉर्डर पर भी नहीं है, लेकिन यहां स्थिति यह है कि वन विभाग के कर्मचारी सीधा गोली मार रहे। एक बच्चे को गोली लगी है और इसीलिए मसला बहुत गंभीर हो जाता है। बच्चे का इलाज चल रहा है अस्पताल में, सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है और परिजनों का यह कहना है कि नाव से जैसे ये लोग उतरे थे एक दो कदम ही चले होंगे कि फायरिंग शुरू हो गई। किसने फायरिंग के आदेश दिए? आखिर वन कर्मियों को ऐसा क्या लगा, ऐसा क्या संदिग्ध उनको लगा कि उन्होंने गोली चला दी? ये तमाम सवालों के जवाब उनको देने होंगे। अब बड़ी खबर का रुख करें, हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां शादी समारोह में फायरिंग का मामला और एसएसपी ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। दरोगा के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरोगा आनंद ने फायरिंग की थी, अब कार्रवाई होगी। बीएचईएल इलाके का ये भील इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है और मामले में एसएसपी ने संज्ञान भी ले लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दरोगा आनंद ने फायरिंग की थी। देखिए, ये हमने तस्वीरें कल भी दिखाई थी आपको, कैसे फायरिंग शादी समारोह में की जा रही थी और ये फायर करने वाले कोई और नहीं, दरोगा साहब थे जो कि कानून का पालन करते हैं और करवाते हैं, रखवाले हैं कानून के, यानी कि दरोगा है। लेकिन ये शादी में खुद ही फायर कर रहे। वाशफायरिंग बिल्कुल मना है और वाशफायरिंग नहीं करेंगे। ऐसा कोई उसका कानून तोड़ के करता था उनको विरुद्ध जो है पूरा विधिवत कार्रवाई करेंगे। लाइसेंस के निरस्तीकरण का भी कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी वाशफायरिंग जो अपने लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन करता है उनका लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। इंडियन मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड के बाद अब भारतीय सेना को 306 जाबाज अफसर मिल गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की सलामी ली, साथ ही आईएमए परिसर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश भी दिया।
कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट्स के लिए ये लम्हा बेहद ही खास है। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने देश के जाबाज अफसरों के हौसले बयां कर रहे हैं। IMA में अंतिम पग भरते ही 306 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 71 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की सलामी ली। सुबह 8:45 पर मार्कस कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। कैडेट्स के कदम ताल देखकर दर्शक दीर्घा में बैठा हर एक शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। इधर युवा सैन्य अधिकारी अंतिम पग भर रहे थे तो आसमान में हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैडेट्स की सेना में बतौर अफसर शामिल होने की शुभकामना दी। साथ ही ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले कैडेट्स को सम्मान से नवाजा गया। आपकी ओलिव ग्रीन वर्दी पर जितना गर्व आपको है, उतना ही गर्व आपके माता पिता, आपके परिवार जन को है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को समर्पित कर दिया है। इसलिए आज का यह दिन आपके परिवार जनों के लिए भी खास है, क्योंकि आपके माता पिता को आज यह वह अवसर मिला है जिसका सपना उनकी आंखों में वर्षों से पल रहा था। यह अवसर हर अफसर का वह खास लम्हा होता है जब उसके माता पिता अपने हाथों से अपने बेटे और बेटियों के कंधे पर रैंक लगाते हैं। विनय विलास को अवार्ड ऑफ ऑनर और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, जबकि पीकेंद्र सिंह को रजत और ध्रुव मेहला को कांस्य पदक मिला। शिवराज सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भूटान के क्विंग जांग वांगचुक सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट चुने गए, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर केरन कंपनी को मिला। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि सीमा पर दुश्मन देश पाक लगातार साजिश रच रहा है, मगर हमारे रणबांकुरे पाक की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत के वेस्टर्न फ्रंट पर एक होस्टाइल नेबर के रूप में पाकिस्तान ने टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाया हुआ है। सामने आकर वह 4 लड़कर परास्त हो चुका है, मगर अजब पड़ोसी है कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इसलिए आपको आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना है, और हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी अब सामने आ रहे हैं। IMA की परंपरा देश के शौर्य से जुड़ी है, जिसने इन जाबाजों को देश और समाज की मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मरते दम तक बलिदान देने की प्रेरणा दी है। इन्हें जितना गर्व अपनी वर्दी पर है, उतना ही गर्व उन माता पिता को भी है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को समर्पित कर दिया। इसलिए दिन इन कैडेट्स के परिवारों के लिए खास है, क्योंकि उन्हें आज वो गौरव हासिल हुआ है जिसका सपना उनकी आंखों में सालों से पल रहा था। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, ABP गंगा। IMA से पास आउट हुए कैडेट्स के लिए लम्हा बेहद खास है, और 4 की मेहनत के बाद उन्हें मुकाम हासिल हुआ, लिहाजा कैडेट्स खुशी से झूमने लगे। पासिंग आउट परेड के बाद 306 कैडेट बतौर अफसर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। साथ ही मित्र देशों के 71 कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने अपने देशों की फौज का हिस्सा बने हैं। पास आउट होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी स्कूलिंग RMC देहरादून से की है, सो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 9 दैट आई बीन ट्रेनिंग, सो इट फील्स अ ग्रेट प्लेजर टू पास आउट फ्रॉम दिस प्लेस एंड जॉइन इंडियन आर्मी। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। इट इज़ अ गुड मोमेंट, अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स आर हैप्पी, जो 4 से वेट कर रहे थे
तो सब खुश हैं घर वाले और हम भी खुश हैं कि अफसर बन गए। तो अब एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। लूट का मामला और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सुमित नाम का ये आरोपी बताया जा रहा है, जिसे गाजियाबाद से अरेस्ट किया गया है। ज्वेलर्स की दुकान पर लूट हुई थी और ये लूट भी 60 लाख की थी। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वारदात 7 अक्टूबर की हुई थी और उसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। जगह जगह दबिश दी गई और गिरफ्तारी अब लूट देहरादून में और गिरफ्तारी हुई है गाजियाबाद से। आरोपी का नाम सुमित। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ज्वेलर की दुकान में लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और सुमित नाम का ये आरोपी, जिसे गाजियाबाद से अरेस्ट किया गया है। रुड़की के जबलेवड़ा में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल शुगर मिल की तरफ से अब तक गन्ने का बकाये का पूरा भुगतान नहीं किया गया, साथ ही सरकार की तरफ से गन्ने के समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। उत्तराखंड सरकार जो है पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है। आज तक ये किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान 2 साल का हो गया नहीं दिला पाई और न ही गन्ने का भाव घोषित करा। अब यह के किसान आत्महत्या को मजबूर हो गया। आज हमने यहाँ गन्ने की होली जलाई 10 तारीख में, हम लंडोरे में जलाओं में लगातार जो है इसी तरीके से गन्ने की होली का किसान जलाता रहेगा। आज लागत के हिसाब से किसानों को 500 रुपये क्विंटल गन्ने का मूल्य दिया जा। विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल रुड़की के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने लंढौरा स्थित एक कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत की। कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। विधानसभा स्पीकर भी इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। खंडीमा में तहसील प्रशासन ने बैंक ऋण नहीं चुकाने वाले 34 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है और प्रशासन ने इन किसानों के 185 एकड़ जमीन को कुर कर लिया है। साथ ही नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन किसानों पर बैंक का 2,30,00,000 रुपए बकाया है, जिसे जमीन की नीलामी कर वसूला जाएगा। करीब हमारे 34 बकायेदार ऐसे हैं जिनके द्वारा जो है कोई मतलब धनराशि नहीं दी गई है, इसलिए हमने उनकी जो जमीन है 185 एकड़ कुर्क की गई है और कुर्क करने के बाद में करीब जो है 2,30,00,000 रुपया इनसे वसूल करना है नीलामी के द्वारा। रुद्रप्रयाग में जंगल में घास लेने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महिला की मौत हो गई। जंगल में काफी खोजबीन के बाद महिला का शव बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि महीने भर के भीतर गुलदार 3 लोगों को निवाला बना चुका है, जिसे लेकर लोगों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है। एक माह में आदमखोर गुलदार भरदार के विभिन्न गांवों में 3 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। अभी तक जो घटनाएं हुई हैं सतनी गांव में, बासी गांव में और इसके बाद आज ये घटना हुई है पपड़ासू गांव में। कल हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिली कि एक महिला गांव से लापता हो गई है जो जंगल घास लेने गई थी, तो उसके बाद हम यहां पर मौके पर पहुंचे। कल रात को यहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया लेकिन महिला का कहीं भी पता नहीं चल पाया। आज हम फिर ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। सुबह 7 बजे से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हम पूरे जंगल में महिला की छानबीन करते रहे और इस तरह हमें एक जगह पर महिला के खून से सने हुए कपड़े मिले और कहीं पे उनकी दराती मिली, कहीं चप्पल मिले, उसकी निशानदेही पर हम वहां पर पहुंचे जहां पर महिला का शव हमें मिला है। तिरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत तिहरी झील और आसपास के इलाके को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी डैम की यह झील के पास में रिंग रोड बनाए जाने प्रस्तावित है। टिहरी जलाशय को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की भी कवायद की जा रही है। पीडब्ल्यूडी ने 234 किलोमीटर में रिंग रोड बनाए जाने के लिए 3400 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसमें रिंग रोड, फुटपाथ और व्यू पॉइंट समेत कई चीजें शामिल हैं। जो
रिंग रोड का जो प्रस्ताव हमने पहले भेजा था वो डबल लेन के लिए भेजा था 600 करोड़ रुपए का, बट शासन में मीटिंग हुई थी उसमें जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए थे कि इसमें 6 मीटर की 2 लेन, उसके बीच में 6 मीटर ग्रीन बेल्ट के लिए प्लांटेशन के लिए, प्लस इसमें ट्राम चलाने के लिए 4 मीटर का प्रोविजन, प्लस साइकिल ट्रैक, प्लस पेडेस्ट्रियन के लिए फुटपाथ, ओवरऑल 30 मीटर वर्थ में इसका प्रस्ताव किया गया रिंग। देहरादून में छठी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने हवा से चलने वाली बाइक बनाई है। छात्र का दावा है कि बाइक हवा से चलती है। महज 11 साल की उम्र में छात्र ने यह कारनामा करके सभी को चौंका दिया है। अद्वैत नाम का यह छात्र अपने इस आविष्कार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए समर्पित कर रहा है और समर्पित उसने किया है। जो चालक लोग हैं उनको सबको सीट बेल्ट सभी बसों में उपलब्ध है और सभी बसों को निर्देशित भी है कि वो अपनी सीट बेल्ट पहने। कोई चालान वगैरह होता है तो उसके लिए वही स्वयं जिम्मेदार होंगे। जहाँ तक बात है आपके फर्स्ट एड बॉक्स की, फर्स्ट एड बॉक्स किट जो है वो आपके परिचालक के पास में दी हुई है, उनमें जो जरूरी। जोशीमठ में एक युवक का पैर फिसल गया और नदी में जा गिरा और युवक की तलाश की जा रही है, मगर अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। SDRF टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है लेकिन उसका कोई सुराग अब तक नहीं लग सका है। तो जोशीमठ में एक युवक का पैर फिसला, वो नदी में जा गिरा और उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। SDRF की टीम गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी में गिरा था तो वैसे में अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो SDRF की टीम लगातार कोशिश कर रही है, पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा और काफी वक्त भी हो गया है। ऐसे में SDRF की टीम ने उस जगह पर जहां वो फिसला वहां तो तलाश किया ही, साथ ही बहने की आशंका था इसलिए आगे भी कुछ जगहों पर गोताखोरों ने गहरे पानी में जाकर तलाश की। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पिछले करीब 2 महीने से बीमार हैं और उनका इलाज मुंबई में चल रहा है। रामनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और इस दौरान उन्होंने बलूनी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी के स्वास्थ्य लाभ को लेकर आज ये यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप 11 पंडितों द्वारा किया जा रहा है ताकि वो दीर्घायु हो, उनके स्वास्थ्य लाभ हो, फिर से वो उत्तराखंड और देश के विकास के लिए पुनः अपने कार्य पे लौट सकें। तो छठी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र जिसने एक अनोखा कारनामा किया है, एक ऐसी बाइक उसने बनाई है जो हवा से चलती है। छात्र का दावा है कि हवा से चलती है और अगर छात्र की उम्र अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस उम्र में उसने ये कारनामा किया है। तस्वीरें देखिए जो उसने बाइक बनाई है। 11 साल का ये छात्र और इसका नाम है अद्वैत, जिसने ये कारनामा किया है और ये आविष्कार उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को समर्पित किया है। इस इन्वेंशन अद्वैत उर्दू बाइक को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करना चाहता हूँ तथा उन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान रिलीज किया है ये उसमें मेरा एक छोटा सा योगदान है।